साईं समाधि के 100 वर्ष पूरे होने पर महू में होगा भव्य साईं महोत्सव का आयोजन। 4 दिन चलेगा कार्यक्रम। मालवा मिरर के लिए महू से आकाश कोहली की खबर। साईं समाधि के 100 वर्ष पूरे होने पर इस वर्ष होगा 4 दिवसीय भव्य साईं महोत्सव का आयोजन। यूं तो हर वर्ष साईं महोत्सव मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष इसलिए धूमधाम से मनाया जा रहा है क्योंकि साईं बाबा की समाधि को 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, जिसके मद्देनज़र यह कार्यक्रम पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जाएगा। साईं मंदिर ट्रस्ट ने आज प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरे आयोजन की जानकारी दी। 19 तारीख को साईं बाबा का अभिषेक कर महाआरती की जाएगी। 20 तारीख को दोपहर में होम्योपैथिक शिविर का आयोजन किया जाएगा व शाम को भजन संध्या रखी गई है। 21 तारीख को साईं पालकी यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें महाराष्ट्र से विशेष रूप से 120 लोगों का जत्था बैंड बाजे ढोल ताशे से लैस होकर बाबा की पालकी में महू वासियों को शिरडी में निकलने वाली साईं पालकी यात्रा की तर्ज पर दर्शन कराएगी। 22 तारीख को भजन गायक मनीष तिवारी की भजन संध्या के साथ साथ एक विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तगण साईं बाबा का प्रसाद ग्रहण करेंगे। ट्रस्ट के पदाधिकारी ने बताया, ये 4 दिवसीय आयोजन रहेगा। दशहरे के रोज से चालू होकर 22 तारीख तक, 19 से 22 तक रहेगा। इसमें 19 तारीख को सुबह अभिषेक है बाबा का समाधि दिवस के रोज, शाम को आरती है। 21 तारीख 20 तारीख के रोज सुबह अपने अभिषेक होगा और होम्योपैथिक शिविर है। वर्षों से मतलब करीब करीब 32 साल से चला आ रहा है वैसे ही, और शाम को सत्संग समिति की तरफ से भजन है 1 घंटे का। फिर 21 तारीख के रोज सुबह शाम को, सुबह तो कोई कार्यक्रम नहीं, शाम को वो है पालकी यात्रा है, और दिन भर इंदौर की समिति द्वारा पारायण किया जा रहा है सुबह से लेकर शाम तक, सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। कि बाबा की 100वां साल है, समाधि दिवस का 100वां साल है, और ये तो हम हर ही साल मना रहे, बाकी ये 100वां साल है पूरे विश्व में के अंदर भव्य रूप से मनाया जा रहा है। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं।